अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी जो है बेटा, इसके बहुत सारे खतरात हैं। ये थ्रेट है, खतरा है इस बायोडायवर्सिटी को। यूजुअली बेटा कहा जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज इज द मेजर थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी। जो एक अहम थ्रेट है, खतरा है बायोडायवर्सिटी को, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमेंस आर सेल्फिश बाई नेचर, दे डिग्रेड द एनवायरमेंट, दे डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स नीड्स ह्यूमेंस डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट, और ह्यूमेंस आर द मेन कॉज ऑफ थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी। फॉलोइंग आर द चीफ कॉजेज ऑफ थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी। अहम रोल जो प्ले करता है बायोडायवर्सिटी थ्रेटस में, वो है ह्यूमन। और अब बेटा जो कुछ थ्रेटस हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, उनका बेटा रोल जब देखते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही होते हैं। हैबिटेट लॉस फर्स्ट है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बेटा आप देखते हो ओवर पॉपुलेशन, आजकल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, ओवर पॉपुलेशन। ऐसे बेटा किसी जो हमारे टाउन्स है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हर साल बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर एडिशनल लैंड। बेटा पॉपुलेशन, अब देखते हो एक घर होता है, अब इसके दो दो तीन तीन चार चार घर बनते हैं जब ये अलग होते हैं, फिर हर एक घर को एक जो फैमिली होती है इसको एक घर की जरूरत होती है, अपना मकान होना चाहिए। उस मकान को बनाने के लिए लैंड होनी चाहिए, हम ऑक्यूपाई करते हैं लैंड। ऐसे ही बेटा अर्बनाइजेशन, जो बड़े बड़े टाउन्स बनते हैं, कस्बे बनते हैं, वहां पे हमें लैंड की जरूरत होती है। ऐसी जब हम इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं, वहां पे हमें लैंड की जरूरत होती है। दे रिक्वायर एडिशनल लैंड एवरी ईयर, हर साल हमें और लैंड की जरूरत पड़ती है, मकान बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, जो हम देखते रहते हैं। और बेटा इट कैन बी अचीव्ड बाय डिस्ट्रॉइंग और बाय एक्स प्लाइटिंग द बायोडायवर्सिटी। हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? हम इसको हासिल कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी को क्या करने के लिए, बायोडायवर्सिटी को तबाह करके, बायोडायवर्सिटी को बर्बाद करके, बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लॉइट करके हम इसको हासिल करते हैं। बेटा जहां पे हम मकान बनाने जा रहे हैं उसके नीचे भी तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे ग्रासेस होंगे, बहुत सारे एनिमल्स रहते होंगे, उन एनिमल्स पे और एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वहां पे बायोडायवर्सिटी होती है। हम इस बायोडायवर्सिटी को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट के लिए हम इसको डायवर्सिटी को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। मकान बनाने के लिए या लैंड बनाने के लिए हर साल हम फिलिंग ऑफ वेटलैंड्स करते हैं, हमें जमीन चाहिए रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, बाईपास, एक्सटेंशन ऑफ रोड्स, हमें जमीन चाहिए, यानी कि इस डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हैबिटेट लॉस करते हैं। उस पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, हमने उनका हैबिटेट लॉस किया, इसको हमने फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड किया। फिलिंग ऑफ वेटलैंड्स करते हैं बेटा, हम कटिंग ऑफ ट्रीज करते हैं, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट करते हैं अपने फायदे के लिए। और सेम ही बेटा ये जो कहीं पे लार्ज एरिया होता है, लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है, हम इसके बीच में से सड़क बनाते हैं, तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया, इसको हमने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया।
वहां से रेलवे ट्रैक बनाते हैं, जो हम नए नए काम करते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इधर हैबिटेट लॉस होता है या इस हैबिटेट को डिवाइड किया जाता है। जब हैबिटेट डिवाइड होता है, इसी स्पीशीज को जो वाइल्ड स्पीशीज होते हैं में प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है बेटा, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते जब उनके बीच बैरियर बन गया। जब बीच में से बैरियर बन गया तो ये एक तरफ से कुछ स्पीशीज एक साइड की तरफ चले गई, कुछ दूसरी तरफ, वो तो आपस में अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब इनकी पॉपुलेशन कम होती है, यानी कि उनको खतरा होता है, हमारी इस बायोडाइवर्सिटी को खतरा रहता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड और इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 50% हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अबाउट 50% हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हैज ऑकर्ड, 50% हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है इन 49 आउट ऑफ 61, आउट ऑफ 61 ट्रॉपिकल कंट्रीज। बेटा ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिकल कंट्रीज 61 ट्रॉपिकल कंट्रीज में देखा गया है कि इनमें से 49 ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या हुआ, 50% हैबिटेट लॉस हुआ है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का एस्टिमेट है 1986। इनके मुताबिक 50% हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ है 49 कंट्रीज में, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। बेटा हम बहुत सारी तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन इस तरक्की से हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा होता है। हम बेटा ये वेटलैंड जो होते हैं हमारे, हम इनकी फिलिंग करते हैं, लेकिन वेटलैंड्स पे कुछ स्पीशीज होते हैं जो कहीं दूसरी जगह पर नहीं रह सकती, दूसरी जगह पे जिंदा नहीं रह सकती। अब उनको हमने क्या किया, हमने डैमेज किया इस बायोडाइवर्सिटी को, ये थ्रेट बन गई हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है, ये क्या बन गई, ये थ्रेट बन गई किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। शाबाश। फर्स्ट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बेटा सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन देखते हो क्या, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन और एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज वेदर प्लांट और एनिमल रिड्यूसेस, क्या करता है, रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन। बेटा अगर हम किसी स्पीशीज के पीछे लग जाएंगे, इसका एक्सेसिव यूज करेंगे, तो सीधी सी बात है इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, यानी कि हमारी एक्टिविटीज, हमारी जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ये खतरा बन जाती है किसके लिए, किसी स्पीशीज के लिए। और बेटा आपने यहां पे देखा होगा हांगुल के पीछे लगे हुए थे, हांगुल को बहुत दफा क्या किया गया, वो जो वहां पे उसको मारते थे ना जंगल्स में जाके, स्मगलर्स उनका ट्रेड करते थे, जिसकी वजह से उनको खतरा हुआ और इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई यहाँ पे। अब हांगुल प्रोजेक्ट बनाना पड़ा, हांगुल प्रोजेक्ट में क्या बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं कि हांगुल को किसी तरह बचाओ। ये जो हम किसी स्पीशीज के पीछे लगे जाते हैं ना, पीछे लगते हैं, इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से नेचुरली उसकी पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है। और जब किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन कम होती है, दैट स्पीशीज बिकम वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, वो इसको एक्सटिंक्शन का खतरा है, वो यहां पे फिर नहीं पाया जाता है फिर, यानी कि उसकी डेथ होती है फाइनली, इसका कोई स्पीशीज यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा अगर हम किसी स्पीशीज के पीछे लग गए। और बेटा हमने देखा है फ्रॉम द लास्ट 500 ईयर्स हमने बहुत सारे स्पीशीज खोए हैं, मिसाल डड्डू, पैसेंजर पिजन ऐसी, बेटा सिटीलर सी काउ, सिटीलर सी काउ, थ्री स्पीशीज ऑफ टाइगर, थ्री सब स्पीशीज ऑफ टाइगर हैव बीन एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म ही हो गए, अब इनमें कोई यहां पे नहीं है, टूडू पैसेंजर पिजन ये मौजूद ही नहीं है ओवर द लास्ट 500 ईयर्स। क्यों, बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसको ज्यादा यूज किया गया, ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे लोग लग गए, अब इनकी अब ये मौजूद नहीं है,
यानी कि ओवर एक्सप्लाइटेशन की वजह से ये इस वक्त मौजूद नहीं है। ऐसे बहुत सारी मैरियन स्पीशीज, ए नंबर ऑफ मैरियन स्पीशीज हैव डिक्लाइनड वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में बहुत सारी मैरीन फिशेज जो है वो इनकी पॉपुलेशन कम हो गई बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि हम उनको ज्यादा पकड़ते हैं और खाते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये खतरा बन गई। यानी कि हमें किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे जब नजर रहती है कि इसी को हमें इस्तेमाल करना है, इस पे मार्केट वैल्यू इसका ज्यादा है, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, इसकी पॉपुलेशन कम होती है, ये खतरा खतरे में आती है, इसकी पॉपुलेशन कम होती है। अच्छा भाई, दूसरा है ओवर एक्सप्लाइटेशन, और बेटा तीसरा है पोल्यूशन। पोल्यूशन बेटा ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज ही है। पोल्यूशन तो आपको पता है, पोल्यूशन आइदर ये पोल्यूशन वाटर का होगा, एयर का होगा, या सॉइल का होगा, इट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन और वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो स्पीशीज वेरिएबिलिटी है, स्पीशीज रिचनेस है, वो डिक्रीज होती है ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू पोल्यूशन। बेटा हमारी जो आजकल जो हमारे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, दे आर डिपेंडेंट ऑन पेस्टिसाइड्स। हमें उनके लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। दीज पेस्टिसाइड्स पोल्यूट एयर वाटर एंड सॉइल, ये सॉइल में भी चले जाते हैं, एयर में भी और वाटर में भी चले जाते हैं। व्हेन दीज पोल्यूटेंट्स रीच इनटू द वाटर बॉडीज, वहां पे बहुत सारे सेंसिटिव स्पीशीज होते हैं, वाटर बॉडीज में बहुत सारे सेंसिटिव स्पीशीज होते हैं। बट ये पहले ही ये क्या करते हैं, किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं, इंसेक्ट पेस्ट्स करते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी हमें लॉस होती है। फिर ये क्या वाटर बॉडीज में चला जाता है रन ऑफ वाटर की वजह से, तो वहां पे क्या है, वहां पे भी बहुत सारे सेंसिटिव स्पीशीज होते हैं, और वो स्पीशीज भी डैमेज होते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी रिड्यूस होती है। बेटा आपको पता है कि जो यूएसए में क्या था, यूएसए वहां पे जब देखा गया है कि डीडीटी का ज्यादा इस्तेमाल होता था, डाइक्लोरोफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, बेटा ये डीडीटी वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, पेस्टिसाइड, ये पॉइजनस पेस्टिसाइड है। और इससे क्या हुआ कि वहां पे देखा गया इन 1972, वहां पे एक बर्ड था ब्राउन पेलिकॉन, ब्राउन पेलिकॉन ल्यूसेनिया, ल्यूसेनिया वहां पे एक जगह थी, वहां पे ब्राउन पेलिकॉन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। इसको बताया जाता था पेलिकॉन स्टेट ऑफ अमेरिका, लुसियानिया वाज निकनेम्ड एज पेलिकॉन स्टेट ऑफ अमेरिका, क्यों, वहां पे पेलिकॉन बर्ड की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। बट ये 1972 में क्या देखा, वहां पे देखा गया कि पेलिकॉन की पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई, वो रिड्यूस हो गई। क्यों रिड्यूस हो गई, बट एक्चुअली वहां पे क्या स्प्रे किया जाता था पेस्टिसाइड, और ये कहां पे चला जाता था, वाटर बॉडीज में, और उन वाटर बॉडीज में देखा गया कि बेटा उनमें पेस्टिसाइड डीडीटी हाई कंसंट्रेशन में था। और जब ये वाटर में चला जाता था बेटा, ये वहां पे बायो मैग्निफिकेशन होती थी इसकी, इसका मतलब क्या है, सॉइल में जब ये चला जाता है, सॉइल के बाद किसमें, वाटर में, वाटर में क्वांटिटी कम थी किसकी, डीडीटी की। और इस पे क्या था, अगर इसको वाटर को इस्तेमाल करती थी कौन, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश के पास वाटर से ज्यादा कंसंट्रेशन होती थी डीडीटी की, स्मॉल फिश को खाती थी, सपोज लार्ज फिश, लार्ज फिश के पास बेटा क्वांटिटी डीडीटी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती थी। दिस गेट स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज, ये फैटी टिश्यूज में स्टोर होता है डीडीटी। और फाइनली बेटा ये वाटर जो होता था, ये पेलिकन बर्ड भी इस्तेमाल करता था। और इस वाटर में क्या था, वाटर में डीडीटी था, पेस्टिसाइड था, और इसकी वजह से क्या होती थी, इन बर्ड्स की जो एग शेल्स बनते थे वीक बनते थे, एंड दे गेट डैमेज्ड बिफोर हैचिंग, हैचिंग से पहले ही एक्चुअल ब्रेक होते थे। जब ये ब्रेक होते थे हैचिंग से पहले ही, तो पॉपुलेशन नहीं होती थी, बच्चे पैदा नहीं होते थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो गई। फिर क्या हुआ, इन 1972 में यूएसए बैन डीडीटी, उसने डीडीटी पे बैन लगाई। जब डीडीटी पे बैन हुआ तो पेलिकॉन बर्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। बेटा ऐसे ही हम लेयर इस्तेमाल करते हैं अपने फील्ड्स में या इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज से जब ये लेयर चला जाता है किसी वाटर बॉडी में, तो वहां पे क्या थे, डक्स, क्रेन्स, स्वैन्स, उनकी पॉपुलेशन देखी गई, तो वो रिड्यूस होती थी। यानी कि विद द हेल्प ऑफ विद द यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, एक्सेसिव यूज ऑफ अदर हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स,
a number of species. पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज गेट्स रिड्यूस, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ऐसे ही बेटा हम इनके वाटर पे या वाटर स्पी देखते हैं या एयर में देखते हैं कि बहुत सारे स्पीशीज क्या होते हैं, उनको इस पोल्यूशन से बहुत ज्यादा खतरा होता है और इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, यानी कि हैबिटेट लॉस होता है, हैबिटेट लॉस करते हैं उससे पॉपुलेशन कम होती है, इनके फ्रेगमेंटेशन होती है, ओवर एक्सप्लाइटेशन होती है, पोल्यूशन होता है बेटा। ऐसी इंटेंसिव और एक है बेटा जेम कल्टीवेशन, जेम कल्टीवेशन, जेम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जिम एग्रीकल्चर। बट इट वाज प्रेवेलेंट इन एंशिएंट पीरियड्स, बट एंशिएंट पीरियड्स में ये ज्यादातर देखा जाता था, जिम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर, बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर। बट ये ज्यादातर ओल्ड टाइम्स में ज्यादा प्रेवेलेंट था और आजकल ये देखा जाता है बेटा इंडिया में 30 मिलियन हेक्टेयर्स पे होती है जम कल्टीवेशन या बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर। ये बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर क्या है बेटा? जो नोमेड्स थे, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, आपने मैटर में ये पढ़ा होगा, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी वो कहाँ जाते थे? वो जंगलों में चले जाते थे और वहां पे क्या करते थे बेटा? वहां पे ये कोई फील्ड ऑफ, जो फील्ड होता था, पीस ऑफ लैंड सिलेक्ट करते थे, या जब उनने पीस ऑफ लैंड सिलेक्ट किया बेटा, इसमें बहुत सारे प्लांट्स होते थे, इन प्लांट्स को ये क्या करते थे बेटा? उनको ये बेटा काटते थे, काट देते थे इन प्लांट्स को। जब उन्होंने इन प्लांट्स को काटा और इस फील्ड को क्या किया, इसको हमवार किया, हमवार करने के बाद बेटा इसको प्लाइंग की, इसकी प्लाइंग की, और बेटा यहाँ पे उन्होंने कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि उनके पास फर्टिलाइजर नहीं होती थी, वो इतने अमीर नहीं होते थे कि वो फर्टिलाइजर ला सकते, क्योंकि आप अपनी भी जमीन नहीं होती थी, जंगल में कोई पीस ऑफ लैंड सिलेक्ट करते थे, वहां पे दरख्त काट देते थे और बेटा उनकी ब्रांचेस और इनके पत्ते वगैरह जो होते थे उनको बर्न करके इस पीस ऑफ लैंड में ऐड करते थे। जब ये पीस ऑफ लैंड में ऐड करते थे और ये बेटा नेचुरली फेवर करता था क्रॉप को 2 to 3 years, 2-3 साल के लिए बेटा सॉइल की अपनी फर्टिलिटी होती थी, इसने 2-3 साल क्या किया, फेवर किया क्रॉप को, उनको क्रॉप मिल गया 2-3 साल, लेकिन इसके बाद इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई, अब क्रॉप नहीं निकलता है, अब इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, इसको वहीं पर छोड़ते हैं, अब किसी दूसरी जगह फॉरेस्ट में चले जाते थे। जब वहां पे चले जाते थे तो वहां पे भी ऐसा ही करते थे, कोई पीस ऑफ लैंड सिलेक्ट करते थे, वहां पे प्लांट्स काट देते थे, फिर कल्टीवेशन करते थे 2-3 सालों के लिए और इसके बाद उसको छोड़ देते थे। दैट इज कॉल्ड ए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसी को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। और आजकल कहा जाता है इंडिया में अबाउट 5 लाख हेक्टेयर्स, 5 लाख हेक्टेयर्स में आजकल भी ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है आजकल भी अबाउट 5 लाख हेक्टेयर्स, आप 5 लाख हेक्टेयर्स पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। इससे क्या होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, ये प्लांट्स काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, इससे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स हमारे लिए वैल्यूएबल, यानी कि हमारे लिए वैल्यूएबल है, अब हमारी वो जो वैल्यूएबल रिसोर्स है वो लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। जब ये वहाँ पे प्लाइंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस होंगे, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, छोटे प्लांट्स जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे, मतलब मेडिसिनल, एज मेडिसिनल वैल्यू, या वेजिटेबल हमारे लिए हासिल होते वहाँ पे, लेकिन क्या होता है वहाँ पे, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि ये थ्रेट बनता है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर जो है, ये भी खतरा है हमारे किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। ऐसे ही बेटा इंटेंसिव एग्रीकल्चर बेटा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब है यूजुअली हमारे पास, आपको पता हो ये, अगर आप घर पे पैड़ी की कल्टीवेशन करते हो, पैड़ी में बहुत सारी वैरायटीज है,
लेकिन हम यूजुअली वन आर टू वेराइटीज हम अपने घर पे या अपने इलाके में या कश्मीर डिवीजन में हम देखते हैं। यहाँ पे एक या दो वेराइटीज है, K39 ऐसे कुछ वेराइटीज है जो हम यहाँ पे कल्टिवेट करते हैं। रेस्ट दे आर क्या, उनको कल्टिवेट नहीं किया जाता है। वी आर कल्टिवेटिंग ए स्पेसिफिक वेराइटी एक्सक्लूडिंग द अदर, हम दूसरे को छोड़ते हैं। जब हमने उनको कल्टिवेट ही नहीं किया तो इसका सीड कैसे मौजूद रहेगा, इसकी जो लाइफ है उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी कहाँ से रहेगी, क्योंकि हम पर्टिकुलर स्पीशीज कल्टिवेट करते हैं उससे हमें ज्यादा फायदा है। रेस्ट जो बाकी स्पीशीज है हमने उनको छोड़ दिया, जब हमने उनको छोड़ दिया तो वो कैसे रह सकते हैं, उनका सीड है अवेलेबल नहीं है तो वो लॉस हो गई। दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर से क्या होता है, हमारी बहुत सारी वेराइटीज लॉस हुई, चाहे आप मेज देखोगे वीट देखोगे, हम इसी को कल्टिवेट करते हैं जो हमारे लिए हाई यील्डिंग है, जिससे हमें ज्यादा फायदा मिलता है, जो रेस्ट बाकी वेराइटीज से जिससे मतलब यील्ड कम होता है या डिजीज अटैक करते हैं, हमने उनको छोड़ा, हम उनकी कल्टिवेशन नहीं करते हैं। विद द रिजल्ट क्या होता है, इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, थ्रेट में आ गई हमारी बायोडाइवर्सिटी। और एक है बेटा वो है डिजीजेस, डिजीजेस। डिजीज भी एक कॉज बनता है किसके लिए, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, ये भी खतरा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। यूजुअली जब हम किसी जू में एनिमल्स को रखते हैं, ज्यादा नजदीक रखते हैं, वहां पे खतरा होता है डिजीजेस का। और अगर ये एनिमल्स फ्री होंगे, जंगलों में फ्री रहेंगे, तो वहां पे डिजीज का खतरा कम होता है। मोरीवर एनिमल्स जब ह्यूमंस वहां पे जाते हैं, जूज में जाते हैं, तो वहां पे पॉलिथीन डालते हैं, तो वहां पे जो वेस्ट होते हैं वो डालते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को डिजीजेस लगने का ज्यादा खतरा रहता है। और जब उनको डिजीजेस का खतरा रहता है तो सीधी सी बात है बेटा, वो हमारे लिए खतरा बनता है, हमारी डाइवर्सिटी के लिए खतरा बनता है, क्योंकि उन एनिमल्स के पास पूरे कोई ना कोई यूनिक फीचर तो जरूर होगा। और अकॉर्डिंग टू कुरान, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, नथिंग इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। हर किसी ऑर्गेनिज्म के पास कोई ना कोई फायदा जरूर होगा, अगर अब ये लॉस हो गए तो हमें खतरा होता है, यानी कि ये थ्रेट बनती है हमारी डाइवर्सिटी के लिए। रब्बाना मा खलक तहाजा बातिला, कोई भी चीज अल्लाह ने पैदा नहीं किया जो जिसका कोई वैल्यू ना हो, जो फजूल हो। शाबाश, अब क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी जो है इसके बहुत सारे खतरात हैं, लेकिन इसका अहम जो फैक्टर है, जो खतरा बनता जा रहा है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो ह्यूमन है। ह्यूमन जो इसकी नीड्स है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, हर कोई ना कोई चीज इसको चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा, यानी कि इसको हमेशा अपनी फिक्र रहती है, और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ गई। और इससे क्या होता है, हम कैसे देखते हैं, हैबिटेट लॉस करते हैं, हमने बहुत सारे हैबिटेट डिस्ट्रॉय किए अपने डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, रेल या यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए हमको लैंड की जरूरत होती है, वहां पे खतरा रहता है, बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे ही बेटा हम देखते हैं ओवर एक्सप्लाइटेशन, कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉयट करते रहते हैं किसी स्पीशीज को और वो खत्म होती है। ऐसे बेटा पोल्यूशन से बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, जेम कल्टिवेशन से या डिजीज से, इंटेंसिव एग्रीकल्चर से, ये सभी बहुत ही अहम थ्रेट्स माने जाते हैं किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। ओके थैंक्स।